चलिए सर, एक सवाल। मान लीजिए मैंने इशू किए दस हजार शेयर और एट 10 ईच, ठीक है। इशू 10,000 शेयर एट 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन रिसीव 12,000 शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, जितने भी एक्स्ट्रा हैं यहां पे जोड़ देते हैं एट प्रीमियम 10%। पेबल एज टू ऑन एप्लीकेशन, फाइव ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ये हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं मान सकता हूं। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ बैकअप क्लास है ये, कंफ्यूजन मैं एग्री करता हूं कि सिर्फ और जो कल वाली क्लास थी उसको मैं बैकअप दे रहा हूं। कल क्लास 7:30 बजे आपके टाइमिंग फिक्स रहेगी, बीच में और कोई भी टाइमिंग नहीं रहेगी, तो उस कन्फ्यूजन के थोड़ी देर के लिए रहेगा। आज आज के लिए मान लीजिए, इसके बाद बीच में आपका कोई नहीं रहेगा। जो 7:30 वाली टाइमिंग फिक्स करिए ना, वही रहेगी परफेक्ट फिक्स टाइम, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं किया जाएगा। चलिए सर, इसका मतलब सर ये मेरा 10 वाला शेयर है, और इनफैक्ट अब मैं 10 वाला नहीं बोलूंगा, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम 10% है। तो सर 10% 10+1 हो जाएगा, यानी 10% का मतलब फेस वैल्यू पे है। इसका पेमेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है सर। पेमेंट करने का तरीका क्या दिया है इसने? पेमेंट करने का तरीका है, आपका कहता है टू ऑन एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट पे कहता है, लेकिन 5 जो अलॉटमेंट पे कहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब सर 4 रुपए तो शेयर कैपिटल के होंगे और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के होंगे, तो टोटल 11 होना चाहिए, 5 2 7, तो बाकी बच गए हमारे 4 रुपए यहाँ। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर मैं ये लाइन कहता नहीं ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब भी हम मानते कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे ही है। जब कुछ भी ना बोला जाए तब भी हम कंसीडर करते हैं प्रीमियम का पैसा कहाँ होगा, अलॉटमेंट को। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 12,000, तो एंट्री करेंगे 12,000 इंटू में, अब 2 रुपए का पहला था तो 2 यानी 24,000, 24,000। इसके बाद आ जाते हैं शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक से रिफंड कर देंगे, टू बैंक से रिफंड कर देंगे। बींग वही रहेगा जो हम पहले लिखते थे, तो ये तो आ जाएगा 24,000। कैपिटल में हम कितना दे सकते हैं सर? 10,000 गुणा में 2 यानी 20,000। बैंक से रिफंड क्या होगा? 10,000, सॉरी 2,000, 2,000 गुणा में 2
4000। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे थे ना, वो आएगा यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड लिख रहा हूं, एसपी, ठीक है। यहां पे हम मांगेंगे भैया 10,000 से। अब याद होगा जब ओवर सब्सक्राइब था तो मैंने कहा था पहली एंट्री आपका होता है किससे, रिसीव से, उसके बाद सारा इशूड से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय, 10,000 मल्टीप्लाई बाय आपका एप्लीकेशन 5 का है ये अलॉटमेंट, सॉरी, 50,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कैपिटल में, 40,000, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम 1 है तो 10,000 रुपये। इस वाले सवाल में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि प्रीमियम को कैसे एडजस्ट किया जाता है, और कोई खास नहीं है। बैंक में पेमेंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। सर कितने रुपए आएंगे? पूरे 50,000, कोई फेलियर वगैरह तो है नहीं, पूरे 50,000। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट हमारा बचा है 4 रुपए। तो हम 10,000 इंटू में 4 कर लेंगे, दैट इज 40,000। 40,000 इसके बाद देखें तो बैंक में पेमेंट आएगा, कहानी खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फाइनल कॉल, और ये 40,000। तो हमने क्या सीख लिया बेसिकली कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ करते हैं। मैं नोट भी लिख देता हूँ, नोट भी लिख देता हूँ आपके लिए, नोट, इन केस ऑफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रिगार्डिंग सर इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग, सर किसके रिगार्डिंग? सिक्योरिटी प्रीमियम, देन इट विल बी एडजस्ट ऑन शेयर अलॉटमेंट। किस पे एडजस्ट करेंगे सर? सर बड़ी बेसिक सी बात है, शेयर अलॉटमेंट पे। ये नोट हो गया, बताइए इसमें किसी को डाउट? टू सॉल्व रिटन बुक क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट अकाउंट हो तो रही है, शो, पता नहीं, देखिए इसमें किसी को डाउट? अभी बुक पे आएंगे जो जे आर मोंगा की, उसके क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप कर ले। इसमें डाउट किसी को? क्लियर है?